दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कंपनी अपने लंबे चौड़े वादों से जनता को रिझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अब तक गुजरात के अपने कई दौरों में केजरीवाल ने कई बेतुके और ना पूरे होने वाले वादे किए हैं। अब तो गुजरात की जनता भी केजरीवाल की चालाकियों को खूब समझने लगी है। इसीलिए गुजरात में केजरीवाल की कई बार फजीहत भी हो चुकी है, लेकिन केजरीवाल हैं कि मानते नहीं। उन्होंने एक बार फिर से नया सगुफा छोड़ा और 5 फसलों पर MSP देने का वादा किया, लेकिन इस बार उनकी पोल आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब के किसानों ने ही खोल दी। केजरीवाल के गुजरात में घोषणा करते ही पंजाब के किसान संगठनों ने उनकी पोल खोलते हुए कहा कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में एक रैली में कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में 5 फसलों पर MSP दे रही है। यदि गुजरात की जनता विधानसभा चुनाव में आपको वोट देती है तो यहाँ के किसानों को भी इन फसलों पर MSP मिलेगा। केजरीवाल के इस बयान पर पंजाब के किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान गुजरात के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा गेहूं, धान और कपास पर MSP प्रदान किया जाता है, जबकि मक्का पर कोई MSP नहीं है। यह भी कहा गया कि सरकार द्वारा मूंग के लिए MSP की घोषणा की गई थी, लेकिन इसके बाद भी किसानों को मूंग की फसल कम कीमत पर बेचनी पड़ी है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहन ने कहा कि आप सरकार ने मूंग पर MSP देने का वादा किया था, लेकिन किसानों को वो नहीं मिला। वो सभी फसलों पर MSP की मांग कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में गेहूं और धान से आगे नहीं जा रहा है। कपास के अलावा किसी अन्य फसल को वो मूल्य नहीं मिला है। MSP किसानों का हक है। वहीं भारतीय किसान यूनियन एकता डगोंडा के उपाध्यक्ष मंजीत सिंह धनेर का कहना है कि केजरीवाल का पंजाब में 5 फसलों पर MSP का दावा हास्यास्पद और पूरी तरह झूठा है। इसके अलावा भाजपा नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि आप लगातार झूठ बोल रही है और झूठे दावे कर रही है, जैसे वो दिल्ली में करती है। केजरीवाल और भगवंत मान को फसलों पर MSP देने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के योगदान के बारे में बताना चाहिए और लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने भी केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में दावा कर रहे हैं कि पंजाब में आपकी सरकार 5 फसलों पर MSP दे रही है, तथा गुजरात में सरकार बनने पर यही फार्मूला दोहराया जाएगा। दलजीत सिंह चीमा ने यह भी कहा कि सभी फसलों पर MSP देना तो दूर की बात है, पंजाब सरकार ने अब तक उन किसानों को मुआवजा तक नहीं दिया जिनकी फसल बेमौसम बारिश के कारण बर्बाद हो गई थी। सरकार ने किसानों को मौजूदा धान की फसल में बड़े पैमाने पर हुए नुकसान का भी कोई मुआवजा नहीं दिया है। बहरहाल आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने झूठे दावों और गलत बयानों के चलते हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। अब एक बार फिर से उनकी फजीहत तो हुई ही, साथ ही उनकी पोल भी खुल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।